हमने ये डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने एबी को क्या बना दिया, एबी को बना दिया 31 सेंटीमीटर, और इसके बाद एंगल बी बना दिया 55 डिग्री, और सेंटर रखा ए और रेडियस दिया 27, और हमने ये जो एंगल बनाया था 55 इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया आगे। हमने ए सी आर बनाएंगे, ए सी का लेंथ क्या होना चाहिए 27, तो ये आर दो बार कटेगा इस तरह से, तो दो बार कटेगा तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, तो एक ट्रायंगल ये ए बी सी बन जाएगा, एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये 31 मालूम है, तो ए बी का मतलब सी, तो ये जो ए बी दिया हुआ है यानी वो स्मॉल सी है। ठीक है, ऐसी जो ए सी है वो स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी है, और ये जो एंगल कैपिटल बी दे ही रखा है आपको, तो बाकी हमें दो एंगल निकालने हैं। तो आप कहते हैं फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ ईच ट्रायंगल, दोनों एंगल ए और एंगल सी निकालने पड़ेंगे, तो चलो निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो एक बार हमें टिक कर रहे हैं, तो सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू तो 31 है, और साइन सी वो पता नहीं है, वो निकालना है हमको। ठीक है, इसी तरह से और क्या चीज पता है हमें, देखो बी पता है क्या, हाँ बी पता है, तो बी की जगह हम 27 लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे साइन कैपिटल बी, तो कैपिटल बी है ना, उसकी जगह हम 55 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन चार चीजों में से हमें एक चीज नहीं पता। ठीक है, तो अब अपन एंगल सी निकाल सकते हैं इसको इस फॉर्म में से। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि सी एंगल एंगल आ जाएगा, तो एंगल सी पता है और एंगल बी पता है 55 डिग्री, तो आपको दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से दोनों का सम माइनस कर दोगे तो एंगल ए आ जाएगा, और एंगल ए आ जाएगा तो आप यहाँ एंगल ए की वैल्यू यहाँ डाल दोगे। ठीक है, ये तो हमें पता लग जाएगा, और उसके बाद स्मॉल ए निकल जाएगा। ठीक है, कहें तो आप मुझे जी डी सी में करके दिखाओ कि पहले हम इसको वर्कआउट करेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको वर्कआउट करो, तो साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 27 इनटू साइन 55 डिग्री, तो इसको कैलकुलेट करो कितना है, उसके बाद साइन को इधर ले आओ, कि सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दो, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और क्या लिखोगे, 31 अपॉन 27 तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, दो एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास, एक एंगल 15 डिग्री और एक 55 डिग्री। कैसे आया कि हमने इसको मान लिया, आंसर तो हमारा कैलकुलेटर से आया 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सी हमारा 70 डिग्री है, पर हमें पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा भी वही होता है, तो साइन 180 में से 70 गया तो 110, तो सी की वैल्यू 110 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने दो एंगल सी की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं तो हम ये इसमें फिल कर सकते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से ले सकते हैं, ए अपॉन साइन 15, छोटे ट्रायंगल लेंगे तो एंगल ए क्या 15 डिग्री है, और इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी यानी 27 अपॉन साइन 55। अब साइन 15 उस तरफ ले जाओ, ए की वैल्यू निकाल लो, तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, 27 साइन 15 डिग्री साइन 55 डिग्री। हमारा सी एंगल कितना आया था, 70.05, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 70 डिग्री कर दिया इसको, है ना, इसको कंसिडर करो कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री, तो इसलिए हमने दूसरा एंगल 180 माइनस 70 110 मान लिया। तो इसी तरह से दूसरा एंगल आप ना स्मॉल ए साइड निकाल लोगे, यानी स्मॉल ए किसको बोलेंगे, एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो बी सी है, इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक तो स्मॉल बी सी है, एक बड़ा सा बी सी है, तो बड़ा बी सी कैसे निकालें, जब वो एंगल 55 डिग्री मानेंगे तो बड़ा बी सी आएगा, तो ए अपॉन साइन 55 इज इक्वल टू बी अपॉन बी 27 अपॉन साइन 55। ठीक है, क्योंकि b किसको बोल रहा है, स्मॉल b 27 इसको बोल रहा है, और उसके अपोजिट आएंगे sin 55,
अब साइन 55 साइन 55 दोनों कैंसिल हो गए, ए इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ आ गया ए, ए मतलब बीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया होगा जो बीसी पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैं बताऊं। सर 27 इनटू साइन 15 और इनटू 1 बाय साइन 55, हां इज इक्वल टू 8.53। तो चलो लिख देते हैं 8.53, और आप मुझे बताओ उसमें आंसर्स में देख के यही आंसर है ना। तो देखता हूँ सर, नीचे नीचे जाते हैं ना वहाँ पे आंसर होते हैं। सर अगले हफ्ते डिफरेंशिएशन की टेस्ट देख लीजिए मेरा। सो अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो दिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करेंगे उसका फॉर्मूला कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि हमें इसका मान लो एरिया निकालना है। तो क्या कहता है देखिए, इसमें ये लेंथ निकालना है, चलो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो जब ये थीटा बहुत छोटा होता है, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि ये एस डैश ट्राइंगल की ये साइड और ये आर्क की लेंथ दोनों सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली सेम व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये थीटा इज अप्रोचिंग टू जीरो, एस और एस डैश आर नियरली द सेम। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे निकालेंगे, देखो हम साइन रूल लगा रहे हैं, तो एस डैश अपॉन साइन थीटा, तो साइड है एस डैश और एंगल अपोजिट क्या है साइन थीटा, और यहाँ पर साइड है आर। ठीक है, और एंगल अपोजिट क्या है 90 डिग्री, तो अपन लिख देते हैं आर अपॉन साइन पाई बाय टू, 90 डिग्री बोलो या पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 होता है, तो साइन थीटा को उधर ले आओ, तो एस डैश क्या हो आर साइन थीटा, तो ये एस डैश यानी लेंथ ऑफ ये जो परपेंडिकुलर बोल दो या आर्क बोल दो क्योंकि अप्रोक्सीमेटली क्या है सेम इक्वल है, तो लिखते हैं एस डैश इज आर साइन थीटा। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर बोल दो, चाहे हम एल लेंथ ऑफ आर्क को हम एस से डिनोट कर रहे हैं तो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, तो उससे कंपेयर करो, ये एस डैश तो आर साइन थीटा है और एस हमारा आर थीटा है। कहता है अगर ये एस और एस डैश बराबर हो जाए तो ऐसे में देन फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा और थीटा भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एस और एस डैश, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो आर से आर कैंसिल और थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यूजिंग द डबल एंगल आरएनटी, कौन सी आरएनटी, कॉस 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, उसको डबल एंगल क्यों बोला क्योंकि यहाँ 2x है। तो इस आरएनटी को यूज करके हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, यानी सब्सटीट्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू थीटा बाय 2 एंड सब्सटीट्यूटिंग sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब अगर हम x की जगह थीटा बाय 2 डाल दें तो इस x की जगह भी थीटा बाय 2 डाल दें, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा cos थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमने तो माना है कि sin थीटा और थीटा बराबर है, तो हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 बराबर है, तो sin थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 बराबर है, पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि मैंने यहाँ लिखा कि 1 माइनस 2 और साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, और मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 सेम है, तो 1 माइनस 2 और हमने लिख दिया थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 into theta square upon 4, अब ये 2 और 4 cancel हो जाएंगे, 2 1 0 2, 2 2 0 4, तो क्या बचेगा, theta square upon 2 हो जाएगा, 1 minus theta square upon 2, तो कहते हैं theta is small, तो theta square by 2 क्या हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा, tends to 0, एक बात बताओ, कि अगर मैं theta की value 0.1 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो theta square क्या हो जाएगा, 0.01 by 2, 0.005, लेट थीटा इज इक्वल टू 0.01 मान लो, तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.0001, और छोटा हो जाएगा ना, तो हाँ इसलिए कहते हैं अगर थीटा छोटा है तो थीटा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है।
theta is small, theta square by 2 tends to 0. Hence cos theta is 1. तो अब ये पूरा जीरो हो गया ना, तो cos theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, तो ये यहाँ बताया इसने. तो इसका मतलब क्या किया इसने, अप्रोक्सीमेशन से निकाला. तो कहता है इफ एफ एक्स इज साइन एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा. तो अब ये कंसेप्ट ला रहा है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन से इसकी वैल्यू निकाली, अप्रोक्सीमेशन से cos theta की वैल्यू निकाली. तो वैसे देखा जाए अगर आप इस डायग्राम में देखो, cos theta क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो बेस भी r है और हाइपोटेन्यूज भी कितना है, अप्रोक्सीमेटली r ही तो है. बेस r है और हाइपोटेन्यूज कितना है, r होता है. तो cos theta क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी cos theta की, 1 तो ये होगी. cos theta इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी r है और डिनोमिनेटर भी r है, तो दोनों कट जाएंगे बना जाएगा. ठीक है, तो पर वो तो तब होता है जब थीटा जीरो डिग्री हो. पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल है ना, थीटा क्या है, स्मॉल है. तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल तो थीटा स्क्वायर बाय टू टेंड्स टू जीरो, इसलिए कॉस थीटा वन हो गया. क्लियर है कि नहीं? चलिए तो अब हम साइन एक्स का डायरेक्टर देखें कैसे निकालें. अगर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच. तो अब इन दोनों को माइनस करो, f of x plus h minus fx, यानी y2 minus y1, ये हो जाएगा sin of x plus h minus y1. तो अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं f of x plus h minus fx upon h, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या आएगा वो देखते हैं. तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया sin a plus b का फॉर्मूला. sin a plus b क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b. sin x plus h हो जाएगा sin x cos h plus cos x sin h, और माइनस साइन एक्स एज इट इज. अब क्या करेंगे, ये एच एक बार इसके नीचे लिखो, एक बार एच इसके नीचे लिखो, एक बार एच इसके नीचे लिखो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स किस में है, एक तो साइन एक्स यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, एक साइन एक्स लास्ट टर्म है, इन दोनों में हमने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया. तो ये सेकेंड टर्म जो है पहले लिख दिए, कॉस एक्स अपॉन साइन एच अपॉन एच, ये साइन एच अपॉन एच, और यहाँ लिख दिया साइन एक्स इन दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में. साइन एक्स कॉमन बचेगा, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एच, ऐसे बच जाएगा. तो अब बताओ लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या होगा, वो तो वन होगा. हाँ, ये प्रॉपर्टी है लिमिट की, साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वन होता है. और ये साइन एक्स एज इट इज. अब कॉस एच माइनस वन अपॉन एच क्या होगा, तो ये तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है. cos 0 तो मान 1 माइनस में 0 हो जाएगा, तो sin x इनटू 3 पूरा 0, तो यानी cos x इनटू 1 प्लस sin x इनटू 0, तो रह जाएगा cos x. तो इसका मतलब, हां सर, इसका मतलब है sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा. cos x तो डेरिवेटिव तो बड़ा ऐसा बड़ा घुमा घुमा के थोड़ा फॉर्मूले लगा के सॉल्व हुआ है. तो ये लिमिट वाला, ये लिमिट याद रखना है, एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या होता है, वन होता है, ये याद रखना है आपको. ठीक है,